नमस्कार, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे मकर राशि न्यू ईयर 2018 के लिए। ये जो आपके सामने कुंडली है वो मकर राशि की कुंडली है। यहाँ मैंने 10th नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, वो मकर राशि का एक प्रतीक है। 10 नंबर की जो भी राशि आती है वो मकर राशि है। यहाँ चंद्र है और यहाँ केतु महाराज है और राहु महाराज यहाँ है सप्तम स्थान में कर्क राशि के, और गुरु महाराज चल रहे हैं 10th हाउस में, और शनि महाराज चल रहे हैं धनु राशि में 12th हाउस में। ये जो चार प्रमुख प्लैनेट्स है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे अपने। देखते हैं कि 2018 का साल मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि भाई इनका पॉजिटिव पॉइंट कैसे है। इनका शनि चल रहा है, लग्नेश शनि होके 12th हाउस में चल रहा है, इसलिए जो भी व्यक्ति पर्सन, और ये हाउस होता है विदेश का, यहाँ जो भी व्यक्ति पर्सन विदेश जाने के लिए इच्छुक है, जिनको डिज़ायर है ये विदेश जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, उनके वीज़ा भी लग सकते हैं। स्टूडेंट वगैरह हैं, जो भी मेडिकल वाले हैं या बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने का सोच रहे हैं, वो अभी 12th हाउस में शनि के हिसाब से वो इनके संजोग जाने के बनेंगे। और इनका चल रहा है मेन चंद्र के ऊपर केतु, ये एक थोड़ा इनको विचलित करने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ चंद्र केतु की वजह से अभी इनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी ख़राब रहेगी, थोड़ा इतना मन इनका अच्छा नहीं रहेगा, आकुल व्याकुल रहेगा, मन में तो विचार ज़्यादा रहेंगे, मन में थोड़े नेगेटिव विचार आना, मन की स्थिति अच्छी नहीं रहना, ये सब चीज़ें यहाँ बनी रहेगी। इसके हिसाब से चंद्र इनका अभी क्या है, पीड़ित गिना जाएगा। केतु क्या पाप ग्रह है, और जब भी वो चंद्र के ऊपर चलता है तो व्यक्ति का जो भी है विचार आचार वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ी इनकी जो मानसिकता है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए इनको अभी थोड़ा हर चीज़ में संभल के काम करना चाहिए। कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें 100 बार सोच के चलना चाहिए। सप्तम राहु यहाँ इनका थोड़ा शादी ब्याह से लगी चीज़ों में संभल के काम करना चाहिए, कुंडली मैचिंग करके ही शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और पार्टनर से भी थोड़ा भी इनका मन में मतभेद मनभेद ये सब चीज़ें बनेगी। पार्टनर से भी अभी इनका लेन देन थोड़ा कम रहेगा, ये वो लाइफ पार्टनर रहे या बिजनेस पार्टनर रहे, कोई भी पार्टनर रहेगा तो उनसे थोड़ा भी इनका डिस्प्यूट बनेगा, थोड़ा सेपरेशन रहेगा। इसलिए मकर राशि वाले को थोड़ा संभल के पार्टनर वाली चीज़ों में भी देख के काम करना चाहिए। कोई इनके ऊपर कोई एलिगेशन, कोई आक्षेप, कोई ऐसा बहुत बड़ा इनके ऊपर आरोप भी अभी आ सकता है। इसलिए अभी की जो गोचर की जो स्थिति है इनके हिसाब से अभी उनका सप्तम स्थान पूरा पीड़ित है राहु की वजह से, तो थोड़ा पार्टनर्स से भी, पार्टनर भी उनको अभी काफ़ी परेशान कर सकता है, पार्टनर से सेपरेशन में हो सकता है, ये चीज़ों में इनको काफ़ी संभल के चलना चाहिए। यहाँ एक पोजीशन इनकी अच्छी चल रही है, गुरु दशम स्थान में चल रहा है, तो थोड़ा बिजनेस से लगती चीज़ों में उनको फ़ायदा दिखेगा, कोई नया बिजनेस इनका अभी स्टार्ट होने वाला है, यस नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मकान भवन निर्माण जो इनका बाकी है वो भी अभी होने लगा है, नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला अगर लेने की आपकी इच्छा है तो वो इस साल आपकी पूरी होगी, नया घर भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, और कोई नया बिजनेस भी आपका स्टार्ट होने के पूरे ग्रह निर्देश दे रहे हैं। इसलिए ओवरऑल देखने जाएंगे तो मकर राशि का क्या है, अभी गाड़ी घर ये सब चीज़ें, थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, थोड़ा पैसा पानी भी इनके पास आता रहेगा, अच्छे प्रमाण में पैसा पानी उनके पास आता रहेगा। इसलिए मकर राशि को अभी खास बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, कि बिजनेस अभी इनका बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स हमें भेजिए। नमस्कार।